साहब एक किताब मुझे देता है एक किताब अरे ठीक है नजर में ऐसे विशाल गेट खड़े हैं गेट खड़े थे ठीक है चलो ऐसे काट दे विशाल खड़े रहो ना सभी कोई नहीं सिगरेट कोई नहीं पी मैं छोड़ दे विशाल भी खड़े हो जा किधर है हां ऐसे काटो अभी सिगरेट का मिलता है विशाल तो हम लोग जला लेंगे ऐसे काटो क्या करो ऐसे काटो विशाल खड़े रहो ना फैशन लग रहा है हैप्पी बर्थडे हेलो हाँ बोलो चलो चलो हाँ क्लाइंट ठीक पिघल जाएगा जल्दी नहीं है उसके बाद पूछा भाई पूछा मैंने नहीं है अरे भगवान की पूजा करने के लिए रहेगी ना माचिस कोई जलाता नहीं कोई नहीं कर रहा लाइट बार बार जा रही है अपने आप भूल गया ले ऐसे ही काट दे अरे वंदित जल्दी थोड़ा केक दिखाओ ना ऐसा भाई एक मिनट मिनट Thank you.
थैंक यू सो मच। मैं जानना चाहूंगा आज की बुक की आप दोनों शुरुआत किस तरह से की है? फैजान बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। फैजान भाई की खास आज के दिन की? जी, सुबह से थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैं मंदिर गई थी, मैंने पूजा की और अभी मैं आप सबके सामने हूँ। फैजान भाई, आप कुछ कहना चाहोगे आज? मैं तो कल रात 12 बजे के बाद से सोया नहीं, जब से इनकी बर्थडे की मुझे टेंशन थी इतनी, तो पूरा प्रिपरेशन में लग गया, कहाँ से केक आएगा, कौन सा फ्लेवर इन्हें पसंद है, ये क्या पहन रही है, सो मैं उसमें दिन भर लगा रहा एक्चुअली ऑनेस्टली, और अभी आपके सामने आया हूँ। तो ऑफ कोर्स बहुत खुश हैं, आज बहुत बड़ा दिन है हम लोग दोनों के लिए। और क्या कुछ प्लानिंग की है वो शाम को? शाम को डिनर का प्लान किया है और बाकी देखते हैं। आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? मेरी कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग तो सबके साथ सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग साथ में डिनर करने जाएंगे और बस, और कुछ नहीं। ये जो गहना और फैजान का जो रिश्ता है, क्या रिश्ता है? क्योंकि हाल ही में जो तस्वीरें आई, काफ़ी हाँ, लोग चर्चा कर रहे, कुछ शुरुआत से अगर थोड़ा बता दीजिए। तो इस बारे में तो फैजान बताएंगे। फैजान प्लीज। देखिए, काफ़ी सालों से हम लोग मतलब रिलेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, तो फाइनली कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी कि हम लोगों को अभी डिसीजन लेना ही पड़ा, जो हम लोग अभी एक हो गए, जिसके फोटोज़ आप लोगों के पास आई गए, ऑलरेडी काफ़ी वायरल हो चुके हैं। फिर इमीडिएटली उसके बाद इनको वाराणसी जाना पड़ा शूटिंग के लिए, सो यहाँ पे थी नहीं है, नहीं तो उसके बाद ही हम लोग प्लान करा पूरा अनाउंस करें। सो फाइनली ये जैसी कल आई थी मॉर्निंग में, तो उसके बाद हमने शादी का ऑफकोर्स अनाउंसमेंट आप लोगों को मालूम ही है सब जो हुआ है, अब बस आप लोगों की विशेष चाहिए, हम लोगों को ब्लेसिंग चाहिए कि ये जर्नी हम लोगों की आगे तक अच्छी रहे। फैजान को मैं ड्यूरिंग एक इंटरव्यू के टाइम पर ही मिली थी और मैंने हमेशा देखा फैजान वाज वेरी हेल्पफुल टू मी, चाहे कोई भी इवेंट हो, इवन रिसेंटली एक इवेंट में वहाँ भी फैजान वाज रियली गुड टू मी। तो फैजान ने मुझे प्रपोज़ किया और मैंने कहा यार शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी से तो करनी ही है, तो व्हाई नॉट फैजान, ऐसा बुरा भी नहीं है। तो मैंने एग्री किया एंड फैजान वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि तुम्हें जो भी अपना कास्ट रखना है, क्योंकि मैं पंडित हूँ, तो तुम जो चाहो वो कंटिन्यू कर सकती हो। हाँ, उस चीज़ को लेकर हम लोगों की दोनों की बात हो गई थी कि मैं वो म्यूचुअल मैं चाहता था कि अगर ये कन्वर्ट हो या ये जो अगर ऐसा कुछ चाहती थी, बट फाइनली फिर हमारी ऐसी बात हुई कि अपने अपने आप रिलीजन को फॉलो करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ये ना आपको जिस तरह पता है फैजान हर मामले में कुछ ना कुछ तो अपनी बातें रखते हैं। करेक्ट। जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अब इस इतने सारे मुद्दे हो, तो आप इनके बारे में क्या, कब पता चला इनके बारे में, और इनके बारे में जो मुद्दे पे चर्चा करते हैं, उर्फी की हो, राखी की हो, या फिर अब्दू की हो, बहुत सारी ऐसी चर्चा होगा। अच्छा, मुझे क्या लगता है, किसी हम सब के सब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम सब के पास उतनी ही डेमोक्रेसी है जितनी किसी और के पास है, तो हर किसी को अपना पॉइंट रखने का हक है, किसी के पास भी कोई स्पेशल अधिकार नहीं है, जो जिसके पास है वो सबके पास है। तो मुझे अच्छा लगता है कि फैजान अपने ओपिनियंस रखते हैं एंड इट्स अ गुड थिंग। आप हमेशा चुप रहकर चीज़ों को, कहते हैं ना, फ्लो के साथ जाने नहीं दे सकते, और इट्स अ गुड थिंग। तो मुझे, मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अच्छी बात है फैजान के पास अपने ओपिनियंस होते हैं। फैजान, ओपिनियंस की बात करो, काफ़ी दिनों से एक मेरे मन में सवाल था कि आप आदि पुरुष पे कब बोलोगे, ये काफ़ी लोग भी जानना चाहते हैं कि आदि पुरुष पे आपकी क्या राय है, जिस तरह डायलॉग हो गए या फिर मूवी हो गई जो लोग को अच्छी नहीं लगी, स्पेशली हनुमान जी के डायलॉग जो अब काफ़ी जाके चेंज किए 5 डायलॉग, आप अगर कुछ बताना चाहोगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, मूवी तो मैंने टू बी ऑनेस्ट देखी नहीं है, बट उसके रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब आ रहे हैं और उन्होंने दूसरे धर्म को भी, धर्म की भी इंसल्ट करी है जैसा लोग फीडबैक दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स काफ़ी गलत बात है जिस तरह की मूवी बनी है, और कितने बड़े नाम उसमें इन्वॉल्व हुए हैं, बॉलीवुड के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं, उसके बाद ये सब बड़ी मूवी का रिजल्ट आता है, तो बड़ी शर्म की बात लगती है कि बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक मूवी बनाने में, इतने बड़े प्रोजेक्ट की मूवी बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोगों को पता ही है, उसके बाद अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो बहुत अफसोस होता है किसी को भी। ऑफकोर्स मैं इस पर यह कहना चाहूँगी, सी हम लोगों ने बचपन से रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है, सुने भी हैं, मेरी मामा हर रोज़ रामायण के पाठ करती थी, तो मैंने बहुत सुना है। सो जो मनोज मुंतशिर ने जो लाइनें बोली हैं, खासकर हनुमान जी के जो डायलॉग हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरी ये जो लंका वगैरह, वो जो लैंग्वेज है वो बहुत बुरी है। सेकंड, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, बट जब हम लोग रामायण की बात करते हैं तो हम ग्राफिक्स की उम्मीद नहीं करते हैं,
अगर आपको अपनी ग्राफिक्स दिखानी है, आपको अपना VFX दिखाना है, आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, अगर आपको ये दिखाना है तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत कुछ है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको रामायण के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। और प्रभास एक्चुअली जैसा हमने हमेशा से सुना ना कि राम भगवान ऐसे हैं, राम भगवान ऐसे हैं, अगर आप मेरा स्टेटस पढ़ेंगे तो मैं हमेशा कहती हूँ जय श्री राम जय श्री राम। तो प्रभास ना कहीं से भी राम के रोल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि हम ना कभी भी नहीं सोचते कि हमें इतना कुछ ऐसा अजीब सा देखने को मिले। सैफ अली खान की कास्टिंग बहुत बुरी है, कहीं से भी नहीं लगता मुझे कि वो रोल में फिट होते थे। सो ये जो रामायण बनी है वो तो रामायण के नाम पर कहते हैं ना अपमान है, और बहुत बहुत बुरी फिल्म बनी है। जो पहला एविक्शन हुआ पुनीत सुपरस्टार का, काफ़ी काफ़ी चर्चा हो रही है, जो 24 घंटे के अंदर ही उनको निकाला। काफ़ी बार उन्होंने जिस तरह वोटिंग हुई, जो जनता की वोटिंग और जो मेन जनता थी उनकी वोटिंग अलग थी, जो मेन जनता था उनको 1,20,000 दिया, जो उनको 8वें स्थान पर पहुंचाया, फिर वो उन पर नाराज हुए और पूरे दिन बिग बॉस को कोसे, ऑडियंस को कोसे। आप अगर कहना चाहोगे, क्योंकि उनको एक लॉर्ड सम्मान दिया, लॉर्ड पुनीत स्टार, आप कुछ बताना चाहोगे क्या कुछ? यार मैं अगर मेरी ओपिनियन आप लेंगे तो मतलब इतना जाहिल गंवार आदमी, पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी मैंने ज़िंदगी में देखा नहीं है। वो बिग बॉस कैसे गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए इविक्शन कितने जल्दी उसका हुआ है। और मुझे एक चीज़ और हुई, छोटी सी मैंने कुछ क्लिपिंग्स देखी हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, कि उसको बिग बॉस के घर में कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो वो सबके ऊपर हावी होता जा रहा था जितने टाइम भी उसने हाउस में गुजारा। तो एक बहुत ही अनपढ़ जाहिल गंवार आदमी पुनीत सुपरस्टार जिसका नाम है, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को तो कभी किसी शो में लेने नहीं चाहिए, और ऐसे शो में इनके इनके टक्कर के लोगों को देना चाहिए जो इनको इमीडिएटली जवाब दें। थैंक यू सो मच।